अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खैरियत से होंगे आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम फिर आपको नाश्ते दिखाने लाए हैं। तो यहाँ हम मौजूद हैं लक्ष्मी के साथ है लाहौर होटल। तो लाहौर होटल से आगे आएँ थोड़ा सा, बिल्कुल मुतसिल तो सड़क अंदर आती है। तो ये देखिए, ये जगह है दीन मोहम्मद रोड। तो यहाँ पर हम आपको एक नाश्ता दिखाने वाले हैं, बहुत खूबसूरत मज़ेदार नाश्ता है। तो आइए मेरे साथ। ये देखिए जी, ये चौक है, दीन मोहम्मद रोड है। ये आप इधर से आएंगे ना, जब लाहौर होटल की तरफ से, लक्ष्मी की तरफ से, तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ये। ये देखिए जी, अल मशहूर लाहौरी मटन चरें एंड बकरे फ्री पाए। तो यहाँ पे ये मारूफ दुकान है, ये भी इनका नाम ही है। देखिए, अल मशहूर लाहौरी मटन चरें एंड बकरे के फ्री पाए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई, खैरियत से? क्या नाम भाई का? मोहम्मद नियाज। मोहम्मद नियाज साहब, क्या हाल है, खैरियत से आप? शुक्र। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सेटअप, साफ़ सुथरा आपने बनाया हुआ है। तो ये कितने साल पुराना है, कब शुरू किया था? ये हो गया जी 15-16 साल। ये आप ही ने शुरू किया था? आपने किसी से सीखा क्या, और किसी इंस्पिरेशन ली? आपने सुसर से सीखा है। तो आप अच्छा, वहाँ से सीखा आपने। तो क्या क्या आपके पास डिशेज होते हैं, ज़रा तारफ़ कराएँ। मटन चने हैं जी, दिखाएँ ज़रा। मटन मटन की बोटी के साथ ये चने देते हैं। ये देखिए, और ये चने हैं आपके पास, अंडे हैं। ये चने दिखाएं जरा, बहुत खूबसूरत जी, माशाल्लाह। ये कौन से चने? ये देसी हैं, मियां वाली के जो चने हैं। हाँ, देसी वो इस्तेमाल करते हैं आप? अच्छा, हम अगर इधर से दिखा सकें। ये क्या? ये बोंग पाए हैं सर। ये बोंग पाए हैं बड़े के, ये बोंग हैं और ये पाए हैं पाए। सही, बहुत खूबसूरत। तो कैसा रिस्पांस है माशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र है जी। ये सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है अलग से। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये कुछ बातचीत हो सकती है। ये देखिए साहब, लस्सी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौरी जो है वो नाश्ते में पूरा इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कैसे हैं आप, खैरी से? ये कैसे लग रहे हैं आपको इनके चने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहली दफ़ा आए? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं इन्हीं के पास? अच्छा, तो क्या आपको चने अच्छे लगते हैं, पाए, बॉन्ग? चने अच्छे लगते हैं सर। मटन चने बहुत अच्छे। मटन चने इनके बहुत अच्छे। सही है, साथ मटन की बोटी डलवा देते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कैसे लग रहे हैं जी इनके चने? बेहतरीन, बहुत एक्सीलेंट, बहुत मज़े के। और साथ में ये कम्बिनेशन बनाते हैं आप, साथ अच्छी लगते हैं। इनकी सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है, साफ़ सुथरा है, माशाल्लाह काम है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, ये लाहौरी मटन चने आप बनाते हैं, और साथ में ये नान का भी आप? चने वाले, बीफ वाले, चिकन वाले। अच्छा, वो भी साथ बनाते हैं? हर चीज़, आलू वाले। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी। ये देखिए नी, ये आपका नाम जी भट्टा जी? मेरा नाम पप्पू भट्टा जी, यहाँ पे जो मशहूर है वैसे मेरा नाम सैयद असलम भट्टा। और पप्पू भट्टा जी, पप्पू भट्टा, पप्पू भट्टा साहब हैं ये। देखिए, मशहूर लाहौर होटल के साथ इनकी ये शॉप है। तो ये नान भी अपने ताज़ा लगा के देते हैं अपने कस्टमर को। स्पेशल चीज़ें हमारे पास सारे ऑर्डर में भी मिलती हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। सब ये भी तारफ़ करा दें ज़रा, ये साथ। अच्छा जी, ये कौन सी लस्सी है जी? नमकीन लस्सी, चाटी वाली नमकीन लस्सी। वाह जी वाह, ये भी कस्टमर जो है वो नान चने के साथ जो है पसंद करते हैं। ठीक है, और ये भी हुई है? ये भी। अच्छा, ये देखें जी भट्ट साहब, माशाल्लाह। तो ये आपने सबसे जो प्यारे अंदाज लगा ना, एक तो आपका जो है ना वो बर्तन बड़े साफ़ सुथरे आपने रखे हुए हैं, और जो क्लासिक अंदाज है ना लाहौर का, वही स्टील के बर्तनों में। मेहरबानी, आप प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं। ये देखिए जी, ये इन्होंने मिर्चें भी जो है वो अलग से रखी हुई हैं, काट के जो कस्टमर डिमांड करें उनको देते हैं ये। तो भट्ट साहब, आप हमें क्या ट्राई करा रहे हैं? जो तुम कहो सर। अच्छा, चलें देखते हैं जी। आपके मेन चीज़ तो आपके चने। चने मेन चीज़। हाँ जी, और नान भी माशाल्लाह आपके वो पप्पू भट्ट साहब लगा रहे हैं। चेक कराएं, अंडा कोफ्ता बोटी। ये देखिए, ये देखिए भट्ट साहब ने माशाल्लाह। ये भट्ट साहब, बड़ी मेहनत होती होगी आप, ये रात को शुरू कर देते हैं ये सारा बनाना? हाँ जी, रात को। कितनी देर लगती है ये? लग जाते हैं कुछ 5-6 घंटे सारा। सर, 5-6 घंटे सारा माल तैयार करना? सारा, माशाल्लाह। ये देखिए, इतनी डाल के और मिर्चें डाल के इन्होंने बनाए हैं साथ मटन चने। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका मज़ा कैसा है। और आप जो हैं वो नान भी ताज़ा लगवाते हैं ना?
ये भाट साहब ने हमारे लिए स्पेशल ये ताज़ा नान लगवाया है। और ये देखिए साथ ये मटन चने हैं इनके मशहूर लाहौरी मटन चने। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं इसका मज़ा कैसा है। ये मटन ये देखिए ऐसी टेंडर है माशाल्लाह, हाथ लगाते ही हाथ ये टूट रही है, ये बहुत आला। और भाट साहब ने कहा ये देसी चने लगाते हैं मियाँ वाली वाले। ये देखिए एक ऐसी खूबसूरत एक लुकमा बाइट तैयार हो गई है। चने भी हैं उसमें, तरी भी है और मटन की बोटी भी है। टेस्ट करते हैं। भाई बहुत आला, कमाल कर दिया भाट साहब ने माशाल्लाह। प्योर जो चने का मजा ना वो आ रहा है, मसाले भी हैं इसमें अच्छे, इन्होंने कमीशन में मसालों का भी किया हुआ है, मटर का मज़ा आ रहा है, लेकिन जो चने का खुद का मज़ा है ना, असल में कमाल वही होता है कि आप चनों के अंदर मज़ा पैदा करें। तो माशाल्लाह इन्होंने चनों के अंदर मज़ा पैदा किया, बहुत आला है। और मटन की बोटी जो है वो बहुत माशाल्लाह टेंडर है, ज़बरदस्त। मैं आपको दोबारा एक बार दिखाता हूँ, ये देखें क्या कमाल की इन्होंने जो है वो कम्बिनेशन बनाया है, साथ में हरी मिर्ची ऊपर। और भाई कमाल कर दिया माशाल्लाह। और ये देखिए ये स्पेशल इंजीनियर है जाटी की लस्सी, ये माशाल्लाह जी परफेक्ट एक कम्बिनेशन है। आप लस्सी से साथ में मटन चने लें और ताज़ा नान इनके अपने तंदूर से आप लगवाएं साथ, तो ज़बरदस्त आपका जो है ना नाश्ता बेहतरीन होने वाला है। तो भाट साहब का जो है ऐलान ये है कि रमज़ान में भी आगे अफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। बॉम पाए भी होते हैं, छोटे मटन मटन के पाए भी होते हैं, कोफ्ते भी होते हैं, चने भी होते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देसी चिकन भी है और मटन भी है। ये सुबह सहरी तक चलता रहेगा मामला, यानी आप रमज़ान में भी ये भाट साहब के लाहौरी मटन चने जो हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए खाली चने के साथ ही ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा जी माशाल्लाह। तो इसी तरह अगर आपने मज़ेदार वीडियो देखनी है ना तो आप मेरे चैनल कुमैर मीनाज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपके इलाके में कौन सी मज़ेदार चीज़ बनती है, मैं उसको कवर करने के लिए भी आऊँगा। कुमैर मीनाज़ को दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।